नमस्कार, स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। चलिए रुक करते हैं इंदौर की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां इंदौर शहर में 12 घंटे के अंदर हुई दूसरी हत्या कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी के पास बनी आईडीए की बिल्डिंग की छत पर मिली महिला की लाश। संभवतः महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना लग रही है, क्योंकि महिला का शव नग्न अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले का प्रकरण दर्ज करते हुए संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी के पास बनी आइडिया की बिल्डिंग की छत पर एक महिला की लाश मिलने की सूचना कनाड़िया थाना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं महिला के सर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं और महिला का शव नग्न अवस्था में मिला, जिससे पुलिस को महिला के साथ दुष्कर्म की घटना प्रतीत हो रही है। हालांकि कनाड़िया पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। कनाड़िया क्षेत्र में भूरी टेकरी पर कमजोर वर्ग के लिए जो मल्टी बनाई है शासन के द्वारा, वही मल्टी में के छत के ऊपर एक अज्ञात महिला का शव मिला है और जो खून से लथपथ है। और ऐसा प्रतीत होता है कि डेथ जो है वो होमिसाइडल प्रकृति की है। और पुलिस द्वारा जो है वो अज्ञात महिला, चूँकि अज्ञात महिला भी है और वहाँ की परिस्थितियाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मांगकर या इस टाइप से अपना जीवन यापन करने वाली महिला है, 30 वर्ष के लगभग की महिला है। और पुलिस ने संबंधित संदिग्धों को निगरानी के दायरे में रखते हुए और तलाश कर रही है और बहुत जल्दी जो है घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। तो क्षेत्र में कुछ मिली जानकारी सर, उसके आसपास के लोग थे क्या? आसपास के लोगों से जानकारी कुछ मिली है और बहुत जल्दी जो है उसका खुलासा किया जाएगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित रेलवे पटरी पर एक युवक का शव मिला है। मृतक अपने घर से बैंक जाने का बोलकर निकला था। मृतक ने अपने भाई को फोन कर मौत से पहले 4 लोगों द्वारा नशा करवा कर अपहरण कर रेलवे पटरी पर फेंकने की बात कही थी। जब भाई पहुंचा तो लाश मिली। मृतक भाई ने अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के फिनिक्स टाउनशिप के पास रेलवे पटरी पर एक अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो लाश पटरी पर पड़ी हुई थी। मोबाइल आधार कार्ड से उसकी पहचान दीपक ओझा के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक दीपक ओझा की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। तो वहीं मृतक दीपक के भाई ने अपने भाई की अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का आरोप है कि उसने 12 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे, लेकिन बैंक वाले उसका ब्याज नहीं दे रहे थे, वहीं उसे परेशान कर रहे थे। मृतक घटना के पहले बैंक जाने का बोलकर निकला था, साथ ही उसकी जेब में पैसे भी थे। वहीं घटना के कुछ समय पहले ही अपने भाई को फोन कर मृतक दीपक ने बताया था कि उसको 4 लोगों ने नशा करवाकर पटरी पर पटक दिया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी है। वहीं दोनों अंगूठे पर शाही लगी थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। नाम है दीपक, पिता अशोक ओझा, उम्र 26 साल, निवासी कवीट खेड़ी इंदौर। जी, कहाँ लाश मिली थी इसकी? ये फोनेक्स ग्राउंड के पास रेलवे पटरी है, उज्जैन इंदौर ट्रैक है, उसके ऊपर। किस हालत में मिली थी ये? कटी हुई हालत में मिली है सर, धड़ से अलग था। क्या करता मृतक है? मृतक फैब्रिकेशन का कार्य करता था। शादी वादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी सर। प्राइम ऑफिस क्या कोई हत्या का मामला है, सुसाइडल क्या लग रहा है इसमें? अभी मरक कायम कर जांच में है, जांच के उपरांत ही मालूम पड़ पाएगा। कब की घटना है सर ये? रात में 8:30 बजे। आपका नाम बता? उप निरीक्षक आर एस डंडोतिया थाना लसूड़िया इंदौर। दीपक विश्वकर्मा। क्या फोन आया था भैया आपका? नहीं सर, अभी मैं बाद में बता दूँ। कल सुबह बात बिल्कुल बिल्कुल। भाई की हत्या करी गई है? बिल्कुल। किसी ने एलिवेटर पे पटका मारपीट की? उनको मारपीट की है और बोल रहे थे, उनका फोन आया था तो बोल रहे थे 4 लोग थे, 2 पुलिस वाले थे और 2 सादा लोग थे, नॉर्मल। तो उन लोगों ने बोले मारा पीटा और पैसे में से छीन लिए और मुझे ट्रैक पर छोड़ के चले गए। उसमें 2 पुलिस वाले भी थे? 2 पुलिस वाले बताए थे। उनका फोन आपके किस नंबर पे फोन आया था, नंबर आप पढ़ के बता? उनका खुद का नंबर फोन आया था। हाँ। बड़े भैया का। हाँ। और वो ऐसा सब बोल के, और वो ट्रैक पे पड़े थे। उनकी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या काम करते थे ये? लसूड़िया थाने के पीछे। कौन सी जगह? जगह का नाम याद नहीं।
मैदान टाइप था। क्या करते थे आपका भाई? बेल्डर थे क्या? बेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, तो कहाँ गए थे आज? किसने अपहरण कर लिया था? आज अपहरण कुछ ऐसा कुछ नहीं था, वो बैंक के काम से गए थे कुछ। अच्छा, वापस आते टाइम पर क्या वैसा था, क्या करते थे? ये फेब्रिकेशन का काम करते थे। अच्छा, किसी से कोई विवाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ कर्जा लेन नहीं, वो सिर्फ ऐसा था कि पैसे रख के लेके आए थे बैंक से, तो वो वहाँ से 60-70 हज़ार के आसपास निकाल के लाना था और कुछ डिपॉजिट भी करना था उसमें। जिस जगह पे वो जो घटना कर रहा हूँ, पैसा मिला आपको? नहीं, मुझे पर्स भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं मिला। आपने आप यहाँ इनकी बॉडी को लेके आए थे, क्या देखा आपने, किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो? वो यहाँ से कट चुके हैं। तो ट्रेन में कटा हुआ लग रहा था या आपको कुछ मर्डर? ट्रेन के पटरी पे छोड़ा गया था उनको। अच्छा। और जो मतलब ऐसे कुछ इंजेक्शन वगैरह देके उनको, और ऐसे छोड़ा गया था कि वो हालत में नहीं थे उठने की, उठने की हालत में नहीं थे। वो फ़ोन लगा के बोल रहे थे कोई मेरे को आके उठा लो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को खसका दो, ट्रेन आने वाली है। मैं जैसे ही पहुँचा, 5 मिनट हुए थे, उस 5 मिनट लेट हो गया मैं, और 5 मिनट अगर पहले पहुँच जाता तो मैं उठा लेता हूँ। तुम्हारा भाई बच जाता। आपका नाम बता दो। नीरज हो जा। नीरज, आपने उनकी बॉडी देखी, किस तरीके से बॉडी थी? कुछ हाथ पैर पे निशान था? निशान थे थोड़े बहुत, पर वगैरह पे निशान नहीं। वो इतनी सारी चीज़ें मैंने चेक नहीं की। हाथ के अंगूठे पे नहीं सर, मेरी हालत ही नहीं थी, मैं देख भी नहीं पा रहा था। आपका नाम बता दो। नीरज ओझा। कौन हो आप? मृतक मृतक के छोटा भाई। क्या नाम आपका? नीरज ओझा। हाँ देखा, इसलिए तो बोले मैं इतना चेक थोड़ी किया, मैं मेरी हालत में था। किस तरह से पैसे जमा करने गए थे वो? नहीं, एक मिनट शुरू से बोलो। वो बैंक के काम से कुछ गए थे, तो उनको एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने थे, तो वो करने के बाद कुछ निकाल के घर भी लाना था, तो पता नहीं फिर रास्ते में कोई किसी ने देख लिया होगा या कुछ। कुछ ऐसी बात बोली थी कि साइन कराना है। हाँ, उन्होंने बोला था कि दो पुलिस वाले और दो सादा वाले थे। पता नहीं उनका चेहरा वगैरह, उन्हें पता होगा, मुझे नहीं मालूम, पर वो बोल रहे थे कि उनने मेरे से 6-7 कागजों पे दस्तखत लिए और अंगूठा लगवाए, और बोले मुझे यहाँ पे नशे की हालत में करके छोड़ कर चले गए। आपने देखा कुछ अंगूठे पे स्याही वगैरह के निशान? नहीं, मैंने उनकी लाश उठा के मैं साइड से रख दी थी, पर स्याही के निशान की बात आ रही सामने? मैंने नहीं देखा। लेकिन ये है कि साइन उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कुछ कागजों पे साइन करवाए पुलिस वालों ने, और बोले मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। कुछ अंगूठे के निशान? हाँ, अंगूठे के निशान लिए और साइन करवाए। अच्छा, भाई की शादी हो गई थी आपकी? नहीं, अब भी नहीं हुई थी। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? पिताजी घर पे ही रहते हैं, कुछ नहीं। इनका पासपोर्ट फूटा है? नहीं। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में महिला और 2 साल के बच्चे के कत्ल के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया आरोपी और मृतका गुना के रहने वाले हैं और कनाड़िया थाना क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करते थे। घटना की रात हुए विवाद के चलते आरोपी ने पहले महिला की, उसके बाद बच्चे की हत्या कर। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में महिला और 2 साल के बच्चे के कत्ल के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया आरोपी और मृतका गुना के रहने वाले हैं और कनाड़िया थाना क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करते थे। घटना की रात हुए विवाद के चलते आरोपी ने पहले महिला की, उसके बाद बच्चे की हत्या कर। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिचौली मर्दाना तालाब से एक महिला और बच्चे का शव मिला था। महिला के गले में रस्सी कसी होने से पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे, जिसमें उक्त महिला और उसका बच्चा एक अन्य पुरुष महिला के साथ घूमता दिखाई दिया। उक्त फुटेज के आधार पर पुलिस ने पैम्पलेट तैयार कर इंदौर शहर व आसपास के क्षेत्रों में भेजे, जिसके बाद एक व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस ने भैया लाल नामक युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह गुनाह का रहने वाला है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करता है। आरोपी मृतका गायत्री और उसके बच्चे तो गुना से अपने साथ लाया था और भीख मांगने के काम में लगा दिया था। घटना वाली रात मृतका गायत्री और आरोपी भैया लाल के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपी ने मृतका का रस्सी से गला बांधकर हत्या कर दी और महिला का शव धर्मशाला के पास ही तालाब में फेंक दिया। उसके बाद मृतका के 2.5 वर्षीय बालक को भी गला पकड़कर तालाब में फेंकाया।
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ भाग निकला। विगत 16 तारीख को एक बड़ी सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। एक 22-23 वर्ष की महिला जो कि अज्ञात थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा, दोनों को मृत अवस्था में पानी में तैरते हुए देखा गया। दोनों अज्ञात थे, घटना से जुड़ा हुआ कोई भी जश्नित साक्षी नहीं था, उनकी पहचान अज्ञात थी, इसलिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने उसमें बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई की। इसमें थाना प्रभारी कनाड़िया ने एक टीम बना करके विशेष तौर पर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें मुख्य तौर पर उस महिला की पहचान एक कूड़ा एक आसपास में बेचने वाली एक महिला के रूप में हुआ। अगर उस पूरे घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को देखें तो पाया गया कि कुछ दिनों पूर्व यह महिला उस क्षेत्र में अपने बच्चे के साथ और एक अन्य पुरुष के साथ उस महिला उस क्षेत्र में लगातार घूम रही थी। जब उस युवक के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो कोई जानकारी उसमें नहीं मिली, उस युवक की जानकारी नहीं हो सकी। लेकिन पुलिस ने कई जगहों पे पूछताछ के आधार पे, जानकारियों के आधार पे, वीडियो फुटेज के आधार पे जब काफ़ी मेहनत किया तो इसमें लगातार हमारी टीम ने, एसपी ईस्ट ने, एडिशनल एसपी जोन 3 ने और साथ ही साथ सीएसपी खजराना, सभी लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत किया और लगातार मेहनत के बाद उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की पहचान हो गई जो व्यक्ति उनके साथ देखा गया था। अगर हम देखें तो उस व्यक्ति का गुना का होना प्रारंभिक तौर पर पाया गया, लेकिन उसकी जो पहचान थी पहचान अभी तक अज्ञात थी। बहरहाल पुलिस ने बहुत सारे सूत्रों को जुटाते हुए जब उसमें कार्रवाई की तो अचानक उसके बारे में कुछ सुराग लगा और आज उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसमें ज्ञात हुआ कि महिला भी गुना से थी, आरोपी भी गुना से था और दोनों में 16 तारीख की रात में एक विवाद होने से आरोपी ने गला घोट करके, रस्सी से गला घोट करके उस महिला की हत्या कर दी थी और साथ ही साथ बच्चे की भी हत्या कर दी थी और दोनों को फेंक दिया था। उसमें खास बात जो समझ में आई, जो पूरी तरह से जो जांच में पाया गया कि मुख्य तौर पर महिला जो थी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकी और प्रारंभिक तौर पर उस घटना से जुड़े प्रारंभिक जो विवाद थे उसके बारे में शुरू में भी जो विवाद हुए थे किसी से कोई जानकारी नहीं बता पाई थी। मुख्य तौर पर इस घटना के बारे में कुछ प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी भी मिला है जिसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है और उसके उसमें साक्षी के रूप में उसे सम्मिलित किया जाएगा। इंदौर में एक मजदूर की गड्ढे में सफाई करते समय मिट्टी धसने से, मिट्टी में दबने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम बबलू, मृतक मूलतः खरगोन का रहने वाला है और काफी समय से इंदौर में रहकर ओमैक्स सिटी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में चौकीदारी करता था और वही मजदूरी का काम भी करता था। पूरी घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित ओमैक्स सिटी की है, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मृतक बबलू गड्ढे की सफाई कर रहा था। तभी लापरवाही पूर्वक जेसीबी चालक ने गड्ढा भरने के लिए मिट्टी उठाई तो जेसीबी के पहिए से गड्ढे की मिट्टी धस गई और मजदूर बबलू की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी चालक की लापरवाही बताते हुए उस पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम दीपाली। क्या घटना हुई थी? वो गड्ढा खन रहा था तो वहां तक जेसीबी लाई उसने, वो नहीं कूद रहा था अंदर। फिर आप मत बोलो, इंडिया बोल रहे हैं। तो वो उसने उसको कुदा बोला, तू भर बोले तो उसने आवाज नहीं दिया और ऊपर नाम उसका बबलू है। ये खड्डा खोद रहे हैं। हाँ, तो उसने जेसीबी वहां तक लाई और उसने उसके हाथ से उसने डाला हुआ मट्टी ऊपर डाल दी उसकी। अच्छा, वो नहीं उतरता था? वो उतरता नहीं, दो बार बोला ठेकेदार को तो मैं नहीं उतरता, उसने माना नहीं, उतना गड्ढा कर दो उसने, इसलिए उतारा। ठेकेदार की और भग गया गाड़ी छोड़ के, वहां तक भग गया, मैं चिल्लाई जब वापस आया। वो क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम मालूम नहीं, उनको मालूम है। दो घंटे बाद निकाला उसने, ठेकेदार भी भग गया, वो भी भग गया, सब आ गए, उसके बाद आ गए सब यहाँ। मेरा दीपाली नाम है।
गड्ढा भर रहा था जेसीबी से, उधर से ये गड्ढे में सफाई कर रहा होगा, तो वो माटी धस गई बगल से जेसीबी के पहिए से। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम है, क्या नाम है, बबलू सुखदेव, खरगोन का रहने वाला है। मैं चौकीदारी करता था और काम भी करता था, अपने परिवार सहित रहता था। इसमें किसकी गलती सामने आ रही है आपको? अब तो जेसीबी की है गलती, और क्या। ठेकेदार क्या, जेसीबी चला रहा था ठेकेदार, जो ठेका दे ले लिया होगा, हमारा काम कर दे जैसे आपको दे दिया, तो ये आपकी जवाबदारी बनती है, जेसीबी वाले की जवाबदारी ड्राइवर की। एक बात मेरी भी सुनो, मैं एक मिनट, आप जब चालक की गलती है उसको देखना चाहिए था। आपका नाम बता दीजिए। आर डी करार, सब इंस्पेक्टर थाना रसूड़िया। भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, सोयाबीन से भरे ट्रैक्टर में पीछे से वाहन घुसा, मौके पर पहुंची सावेर पुलिस। इंदौर उज्जैन रोड धर्मपुर स्थित बाईपास पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सड़क हादसा हो गया, जहां इंदौर से उज्जैन की ओर जा रहा दूध वाहन आगे चल रहे सोयाबीन से भरे ट्रैक्टर में जा घुसा। हादसा इतना भयावह था कि छोटा दूध वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क किनारे निकली जगह में जा घुसा। मौके पर मौजूद पुलिस आरक्षक के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 1 गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 की स्पॉट पर जान चली गई और 1 अन्य की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। बताया जा रहा है कि बड़ौदिया खान के पास शारदा गांव से दूध भरकर वाहन इंदौर की ओर रोज की तरह जा रहा था, वहीं दूध वाहन में बैठे 3 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। बताना चाहेंगे कि इंदौर उज्जैन हाईवे नंबर 27 पर आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट ये? ये करीब 6 बजे के आसपास है, 6 बजे के आसपास हमको जानकारी मिली यहाँ पे लोकल आदमी के द्वारा, बोले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है दूध वाहन का और ट्रैक्टर का। सूचना मिलते ही हम यहाँ पे तुरंत आए, यहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर थी, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं यहाँ पे, उनको तुरंत एम्बाय हॉस्पिटल और 1 को सागर हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुँचाया गया है, और यहाँ पे हमने वाहन इधर साइड में करवा दिए और ऐसी कोई स्थिति नहीं बढ़िया। क्या क्या मामला था, कौन सा वाहन किधर जा रहा था और किससे कौन सा वाहन टकराया, थोड़ा सा दोनों वाहन एक ही तरफ इंदौर तरफ जा रहे थे, 1 मंडी के लिए जा रहा था ट्रैक्टर मंडी के लिए जा रहा था और दूध वाहन अपना दूध लेके इंदौर जा रहा था। ट्रैक्टर में क्या सोयाबीन भरी हुई थी? सोयाबीन भरी थी ट्रैक्टर में, और ये पीछे से दूध वाहन पीछे ट्रैक्टर में घुस गया जिससे ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है यहाँ पर? हाँ, करीब जानकारी मिली हमको 2 एक्सपायर हो गए हैं और 1 गंभीर रूप से घायल है। आपका परिचय? मेरा नाम कपूर चौधरी, जो कि थाना सांवेर से हूँ। इंदौर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह फिर हुए सक्रिय। इंदौर शिप्रा थाना पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 12,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। दरअसल पूरा मामला इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र का है, जहां शिप्रा पुलिस ने टोल नाके पर 200 रुपए का नकली नोट चलाने की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 1 कार व 12,000 रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद किए हैं। शिप्रा पुलिस को सूचना मिली थी कि ओमकारेश्वर से देवास जा रहे कार में 5 लोग नकली नोट लेकर जा रहे हैं। जब आरोपियों ने नकली नोट टोल टैक्स पर चलाने की कोशिश की तो टोल कर्मचारियों को संदेह हुआ, तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12,000 रुपए के नोट बरामद हुए, वह सभी नकली हैं। फिलहाल में शिप्रा पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि नकली नोट कहां से लाए गए और गिरोह में कितने लोग हैं। पूछताछ के बाद नकली नोट चलाने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस खुलासा कर सकती है। कितने नकली नोट पकड़े? परसों थाना छिप्रा पर टोल बैरियर पर 200 रुपए के नकली नोट देने की जानकारी प्राप्त होने पर 5 लोगों को 12,000 रुपए से अधिक की नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। थाना छिप्रा पर प्रकरण कायम है और 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सर कहां से आ रहे थे कुछ जानकारी? हरियाणा के मुलता रहने वाले थे, ओंकारेश्वर से लौट रहे थे। टोल पर उन्होंने 200 रुपए का नकली नोट दिया, जिस पर टोल वाले ने जब पुलिस थाने को सूचना दी तो उनकी तलाशी ली गई और उस पर से 12,500 रुपए के नोट बरामद हुए, जो कि नकली थे। प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है।
फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।